हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डी डी फ्रिडिस का सेटअप बॉक्स चल रहा है और इस पे आप जो देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू कलर का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को ब्लू कलर पसंद नहीं है, किसी दूसरे कलर में इसको चेंज करना चाहेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करिए और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों, कैसे चेंज करते हैं, जिनको आता है चेंज करने के लिए ठीक है, जिनको नहीं आता है वो देख लें कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि अभी ब्लू कलर है और आप मन पसंद के अपने कलर चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों? आपके पास जो रिमोट होगा, रिमोट से आपको मेन्यू का बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपको जाना है सिस्टम सेटिंग पे, ठीक है। जो रिमोट का अप डाउन का बटन है ना, चैनल जिससे चेंज करते हैं, उससे आप नीचे जाकर जाएंगे सिस्टम सेटिंग पे, और यहाँ पे जाने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे ओएसडी सेटिंग। तो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ ओएसडी सेटिंग, और यहाँ पे आने के बाद ओके प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ओएसडी सेटिंग का पूरा एक पेज खुल गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कलर, और कलर में क्या है, अभी सी है, मतलब समुद्री कलर है, ठीक है। अब देखिए, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो इससे मैं जिससे वॉल्यूम बढ़ाते हैं घटाते हैं, इससे मैं चेंज करता हूँ तो देखिए, ये देखिए ऑक्सफोर्ड ब्लू हो गया है। उसके बाद ये देखिए स्काई, उसके बाद देखिए चाइनीज रेड कलर हो गया है, अभी देखिए ग्रास लैंड हो गया है ग्रीन कलर, उसके बाद फिर से वही सी वाला कलर हो गया। तो दोस्तों, अगर ऐसे जो भी कलर आपको पसंद होगा उस पर जाने के बाद आपको मेन्यू का बटन प्रेस कर देना होगा और वापस बाहर आ जाना है। तो देखिए रेड कलर का हो गया है पूरा, अब बाहर आपको रेड कलर का दिखाई देगा पूरा सब कुछ। अब वापसी अगर फिर से चेंज करना है आपको, तो फिर जाना है सिस्टम सेटिंग पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से ओ एस डी सेटिंग पर जाना है, और यहाँ से फिर चाइनीज कलर जो है, ये जो भी कलर आपको ग्रीन कलर करना है ग्रीन कलर कर लीजिए और मेन्यू करके वापस आ जाइए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस समय देख रहे हैं जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर, आप देखिए वाटर मार्क कितना आ रहा है, ट्रांसपेरेंट कितना है, बैक कैसे आ रहा है, आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है, इसके पीछे भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये बढ़ाना घटाना है आपको, ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, तो उसको भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिस्टम सेटिंग पे, और यहाँ से भी ओएसडी सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद नीचे आप देख रहे हैं 15% इसको आप बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अभी 30 है, 40 कर दिया मैंने, बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया, ठीक है। 70 पे पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, पीछे ग्रीन भी दिखाई दे रहा है और ओ भी दिखाई दे रहा है। 0 करने के बाद आपको पीछे का कुछ भी हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, ये है सेटिंग, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।